हमारे साथ अमेरिका की जो प्रवक्ता हैं, जो कि हिंदुस्तानी में बात करती हैं, हिंदी में बात करती हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बहुत ही क्विक दो तीन सवाल करेंगे, चार सवाल करेंगे मैं और कादमनी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अफ्रीकी यूनियन को शामिल कर लिया गया है G20 में और ये भारत की अध्यक्षता में हुआ है, इस पर आपकी फौरी प्रतिक्रिया क्या है? हम समझते हैं कि अफ्रीकन यूनियन का आवाज़ बहुत अहम है और पहले से ही अमेरिका उसका मेम्बरशिप सपोर्ट कर रहे थे। जी, एक सवाल मार्गरेट मैकलाउड हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मार्गरेट, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट पीएम का सुना होगा, पीएम मोदी का सुना होगा, उन्होंने एक ट्रस्ट डेफिसिट की बात की है जो कि शायद आज की दुनिया में बहुत मायने रखता है, इस प्लेटफॉर्म पर भी बहुत मायने रखता है। हम समझते हैं कि वैसे डेफिसिट सुधारने के लिए बातचीत ही उसका हल है और हमारा ख्याल में G20 जो बुनियादी तौर पर एक आर्थिक फोरम है, एक बेहतरीन मंच है जिसमें हम दुनिया के सबसे बड़े मसला के बारे में बात कर सकते हैं। जी, और एक सवाल ये भी निकल कर सामने आता है कि कल ही द्विपक्षीय बातचीत हुई है और उस द्विपक्षीय बातचीत को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है और किस तरीके से आप देखती हैं कि संबंध आगे बढ़ेंगे? जी, अगर आप हमारे जॉइंट स्टेटमेंट देखें, ये जाहिर है कि इंडिया के साथ हमारे सहयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। हम क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की डिलीवरेबल्स भी है, इंडिया के ई व्हीकल्स का ट्रांजिशन के लिए $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमारे डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से आ रहे हैं जो इंडिया के साइड से भी मैचिंग हो रहा है और ऐसी टाइप के साफ ऊर्जा की परिवर्तन के लिए इन्वेस्टमेंट्स जो हो रहा है वो तो बस एक मिसाल है कि हम कितने अच्छे काम कर सकते हैं जब हमारे ताकत इकट्ठे करें। एक जो विश्वास का कादमनी, मेरा एक सवाल है, अगर आप मेरी तब से पूछ सके कि इतनी अच्छी हिंदी इन्होंने बोलना कहाँ से सीखा है? ये एक बहुत एडवांस्ड जो एक विश्वास की बात है, जैसे रीपर ड्रोन की बात उन्होंने कही जो अब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजा गया है, उसको लेके कई जगह दुनिया में बात हुई और यूक्रेन वगैरह में भी इसको लेकर बात हुई है, तो ये एक हम समझे कि शुरुआत है इस तरह के बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वेपनरी के लिए। हम देख रहे हैं वही स्टेटमेंट में कि अमेरिका इंडिया के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं डिफेंस क्षेत्र में भी, कुछ जेट इंजन्स की बात भी हुई और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात भी हुई। हम देखते हैं कि ज्ञान क्षेत्र में हमारे दोनों मुल्क एक साथ काम करें तो काफ़ी अच्छे काम अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। एक वो सवाल भी है कि कल भारत ने जो जॉइंट स्टेटमेंट को, बिल्कुल जॉइंट स्टेटमेंट बिल्कुल आया है और वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है और हमने ये भी देखा कि बहुत मुबारकबाद वगैरह भी दी गई है, जो सॉफ्ट लैंडिंग है मून को लेकर आदित्य L1 को, तो एक साथ चलने की बात और ये भी है कि ट्रेनिंग हो रही है, अब हमारे भी एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। जी, ये भी बड़ी खुशखबर है कि हम एक साथ मैन्ड स्पेस फ्लाइट में कोऑपरेट कर सकेंगे और कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन भी मुमकिन हो गया। और कल भारत ने उम्मीद जताई है कि एक साझा बयान आएगा जिस पर पहले भी कादमनी ने आपसे सवाल पूछा था और आपने जवाब दिया था कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कल भारत ने एक बार ये उम्मीद जताई है कि साझा बयान जो है वो आएगा, तो अब जबकि शेरपाओं की मीटिंग खत्म हो गई है, राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, क्या आपको सेंस मिल रहा है कि क्या वाकई में भारत एक साझा बयान, भारत की अध्यक्षता में जो ये शिखर सम्मेलन हो रहा है, साझा बयान आएगा? जैसे हमारे एडवाइज़र ने कहा, मुश्किल तो होगा लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि नामुमकिन है। और एक सवाल हमारे स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि आपने हिंदी कहाँ से सीखी? इंडिया से और हमारे विदेश सेवा इदारे से, काफ़ी अच्छे अच्छे अध्यापिका से सीख ली। नहीं तो कब से सीखना शुरू किया, इस काम में आने के बाद सीखा और या फिर क्योंकि आपने हिंदी सीखी थी इसलिए काम मिला? पहली बार इंडिया से पहले आने थोड़ा सा टीच योरसेल्फ टाइप का किताब इस्तेमाल करके आए, लेकिन यहाँ आने पर लांडूर में एक बहुत अच्छे स्कूल है जो सिखाते हैं।